माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों और दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर एक तहलका मचा रखा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर की सरकार और सूबाई व अजला की तमाम इंतज़ामिया ने इस बीमारी से बचने के लिए कुछ मुस्बत इकदाम उठाए हैं और इस सिलसिले में कुछ हदायात भी जारी की गई हैं। मसलन, अपने घर से बाहर ना निकलना, अपने घर का खाना खाना, बाहर के खाने से परहेज बरतना, किसी से गले ना मिलना, किसी से हाथ ना मिलाना, अपने हवा से खमसा को हाथ से न छूना, अपने हाथों को बार बार धोना, भीड़ भाड़ से परहेज बरतना, खांसी या छींक आ जाए तो अपने मुंह को रुमाल से ढक लेना, वगैरह वगैरह। लिहाजा मेरी बिलखसूस खिताए चनाब की बाशूर आवाम से पुरजोर इल्तमास है कि सरकार की तरफ से और सूबाई व ज़िला इंतज़ामिया की तमाम इकाइयों की तरफ से इस बीमारी से बचने के लिए जो अहकाम सादिर हुए हैं, हम सब को उनका एहतराम करते हुए उन पर सख्ती से अमल करना है। अगर हम सब इन हदायत पर सख्ती से अमल करेंगे तो यकीनन इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, हम इस बीमारी का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, हम इस बीमारी को सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं। मैं परमात्मा से दुआगो हूँ कि वो हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबके घरों को आबाद रखे, आप सब सलामत रहें, आप फलें फूलें, आप आगे बढ़ें, आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। और आखिर में अच्छा इजाज़त चाहता हूँ, मत करना गिला, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।